नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का गजानन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे भूगोल की, और भूगोल से संबंधित रिलेटेड एक विषय है जो जिसका मुख्य रूप से संबंधित हमारे ज्योतिष शास्त्र भी से भी है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मल मास की, खर मास की, एक तरह से आप कहें तो संक्रांति की भी बात। जी, सबसे पहले आपने यदि हमारे YouTube चैनल गजानन एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यहाँ नीचे आप एक रेड बॉक्स देख सकते हैं जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको दबाएं, और उसके पास में ही एक बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं, ताकि आपको हमारी जो भी अपडेट्स है, चाहे वह धर्म से संबंधित हो, त्यौहार से संबंधित हो, पुराण से संबंधित हो, ग्रहण आदि से हो, कौन सा त्यौहार हम तब मनाएं, ज्योतिष वास्तु, हम समय समय पर किसी न किसी विषय को लेकर के उपस्थित होते हैं, तो वह सब अपडेट्स आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो जी हाँ, आइए आज हम बात करते हैं धनुर्मास को लेकर के, जिसको लेकर के लोगों के बीच में कई तरह की शंकाएं हैं। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मुझे कमेंट आए थे कि महाराज जी, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए, और किसी ने मुझे मेल भी किया, कई लोगों ने मेरे फेसबुक पर जो पेज है उस पर भी कमेंट किया था कि महाराज जी, आप इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आइए हम सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जो धनुर्मास है, जिसको हम खर मास कहते हैं या मल मास कहते हैं, ये आखिर है क्या। मित्रों, आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो सूर्य है वो ब्रह्मांड में सबके बीच में है, और सारे ग्रह उसके उसके चक्कर लगाते रहते हैं, उसका भ्रमण करते रहते हैं, उसके गोल गोल, उनका एक जो सभी ग्रहों का एक लिमिटेड एक एक्सिस होता है, एक एक जैसे एक रास्ता होता है कि भाई आपको पगडंडी है, उस रास्ते पे आपको चलना है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में सभी ग्रहों को एक रास्ता दिया गया है कि भाई आप ये ग्रह है, आपको इस रास्ते में पृथ्वी के सूर्य के गोल गोल घूमना है। तो सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हैं वो सभी चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सभी चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस चक्कर लगाने के समय में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मलमास है क्या। तो सूर्य, आप सभी जानते हैं, साल के 12 महीनों में हर महीने की लगभग 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य अपनी राशि बदलता है, अपनी जोडियक बदलता है। सन चेसिस इट्स लाइक जोडियक ऑन एवरी मंथ ऑफ 14, 15 और 16, 14 से 16 तारीख के आसपास चेंज होता है। जैसे मेष राशि में हुआ 14, 15 तारीख, फिर वो वृषभ राशि में आएगा। तो दिसंबर का महीना लगभग वही 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य मकर राशि को, मकर से पहले जैसे सूर्य एक एक राशि बदलता है, तो इस समय समझिए आप ये जो 15 दिसंबर के आसपास का जो समय है, इस समय सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करते हैं। वृश्चिक राशि में जब दीपावली के आसपास सूर्य नारायण भगवान आते हैं तो नवंबर 15 के आसपास, तो वहाँ से विवाह कार्य श्रेष्ठ माना गया है। और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में प्रवेश करते हैं, ये अपने वृश्चिक से धनु राशि में, तो उसी समय सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं, उसी को हम लोग मलमास या खरमास या ये मास कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के शुभ काम वर्जित हैं। तो मित्रों, क्योंकि मैं ज्योतिष को मैं किसी धर्म से, संप्रदाय से या जाति विशेष से इसको देखना, उस तरीके से देखना, मुझे लगता है दिस इज़ टोटली लाइक अनफेयर विद एस्ट्रोलॉजी। इट्स लाइक प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज, यह पूरी तरह से एक दैवीय विज्ञान है, और मुझे लगता है इसको उसी तरह से लेना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, क्योंकि हमारे क्योंकि मैंने इसको नाम दिया है स्पिरिचुअल साइंस, दैवीय विज्ञान, तो दैवीय यानी थोड़ा सा धार्मिक विज्ञान यानी साइंस। तो हम जब कोई भी शुभ काम करते हैं, उसमें आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी प्रकार के शुभ काम में गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। अब यह गुरु महाराज चाहे मनुष्य के रूप में हो सकते हैं,
ह्यूमन बीइंग के रूप में जिनसे हमने दीक्षा शिक्षा ली है वो गुरु, या फिर ये वो गुरु बृहस्पति जो जुपिटर प्लैनेट है तो वो भी ये हो सकते हैं। तो इनकी कृपा हमारे सभी प्रकार के शुभ कामों में इनकी कृपा होनी, गुरु की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। अब ये मलमास का समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी के आसपास सूर्य के हिसाब से एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, तो उस समय सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो धनु राशि के स्वामी क्या हुए, गुरु। गुरु जब सूर्य के इस राशि, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते तो सूर्य से इतना तेज प्रकाश निकलता है, इतनी तेज उसमें से अग्नि निकलती है कि गुरु महाराज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको सहन नहीं कर पाते। देखिए अगर हम तर्कों पर जाएं कि भाई वो तो गुरु है, बृहस्पति है, देवताओं के गुरु है उनको, तो ये फिर तर्कों में हम फिर बहुत कुछ कह सकते हैं जिसका कोई लॉजिकल अर्थ नहीं होता है। हम लोग इसको, क्योंकि हमारा जो धर्म है 100% साइंटिफिक प्लस कुछ धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाओं का भी ऊपर भी टिका हुआ है, तो हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें गुरु की कृपा आवश्यक होती है। तो इस काल में, इस समय के दौरान गुरु जब सूर्य जब गुरु की राशि में आते हैं तो उनसे ग्रसित हो जाते, पीड़ित हो जाते हैं, जिनके कारण गुरु इस पर्टिकुलर समय में एक महीने में अपना जो शुभ प्रभाव होता है, उनकी जो शुभता होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इस कारण हम कोई भी शुभ काम करें तो उसको हमको बिल्कुल, आप ये मान लीजिए, त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी अब आजकल तो 15 दिसंबर इनके आसपास विवाह हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, भारतवर्ष में नहीं हो रहा है पर मुख्यतः पता नहीं ये धारणा कहाँ से बनी है, पिछले एक 4-5 साल से ऐसे सुनने में आया है, देखने में आया है कि लोग 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तो नहीं बट दिसंबर का जो 15 दिसंबर से एक फरवरी के आसपास, एक जनवरी के आसपास विवाह कर लेते हैं। तो मुझे इसमें कारण लगा, जो मुख्य रूप से जो राजस्थान प्रांत से जो लोग संबंधित है वो लोग इस काल में क्यों विवाह करते हैं, तो मुझे या कोई शुभ कार्य क्यों करते, जो मुझे मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे ये लगा क्योंकि राजस्थान को हम लोग एक जनरली मरुभूमि की तरह देखते हैं, रेगिस्तानी भूमि जहाँ मिट्टी से भरा हुआ प्रदेश है, तो ऐसा स्थान जहाँ पर खेती बाड़ी की संभावना बहुत कम होती है, तो किसी प्रकार मतलब गुजारा उनका चल पाना, अधिक ज़्यादा व्यवसाय बिजनेस कर पाना मुश्किल होता है। तो बिजनेस कम हुआ तो खर्चा भी, खर्चे अधिक हुए तो कमाई भी कम हुई। तो मुझे ऐसे लगता है क्योंकि यह नॉन सीज़न होता है, इस समय भवन, घोड़ी बाजा, बैंड बाजा, आप जो भी आप विवाह से संबंधित काम करते हैं वो सस्ता होता है सीज़न में, जहाँ एक भवन हमको, मान लीजिए हम कोई रिसोर्ट लेते हैं, होटल लेते हैं, हम कोई लॉन लेते हैं, हम कोई गार्डन लेते हैं, हम कोई भवन लेते हैं, वो मान लीजिए हमको 1,00,000 रुपए में मिलेगा सीज़न के समय, जहाँ अधिक सावे होते हैं, लगन होते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि वो ही आपको लॉन, भवन या रिसोर्ट आपको नॉन सीज़न में बहुत कम समय में मिल जाए। तो ये खर्चा बचाने का, मुझे लगता है खर्चा बचाने का एक तरीका है कि भाई इस समय काम कर लिया और फट से कम खर्चे में विवाह हो गया, लड़का लड़की भी पनीच गया, विवाह हो गया। अब चलो ये तो खर्चा कम करने की बात हुई, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। आपने उस समय शास्त्र में मुहूर्त नहीं था, कुछ पंचांग दे देते हैं जिनकी मुझे लगता है शास्त्रीय मान्यता नहीं है, मतलब जो वैदिक परंपरा से अगर हम देखेंगे तो अब कुछ आप मतलब स्थानीय पंचांग होते हैं, जो कुछ प्रांतीय पंचांग, जो कुछ प्रांत से मान्यता, जिनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंसी नहीं होती है, ग्लोबल एक्सेप्टेंसी नहीं होती है, जिनकी मतलब वैश्विक स्वीकार्यता नहीं होती है, ऐसे पंचांग जो लोकल लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को लेकर के बनते हैं, अक्षांश रेखांश को लेकर के, तो वो कुछ कह देते कि भाई ये समय है अब कर लो। अब आपने उनको आधार मान के, उनका तर्क रख करके, उनको एज एन प्रूफ रख करके यदि आपने उस समय में विवाह कर लिया तो निश्चित है कुछ वह जिसकी मतलब शास्त्र में मान्यता नहीं है, जिन पंचांग की जो मतलब कुछ जरूरत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटी आपने विवाह उसको आधार बना करके कर लिया, तो निश्चित है कि डिवोर्स होना है, वह विवाह नहीं टूटना है। अब क्या हुआ, सिंपल,
आपने कम खर्चा करने, कम खर्चे के चक्कर में कम पैसे लगा करके आपने विवाह तो कर लिया महाराज, अब विवाह हो गया, डिवोर्स हो गया, अब क्या होगा? लड़का लड़की कुंवारे तो रहेंगे नहीं, वापस विवाह करना है, वापस विवाह करना है तो वही खर्चा वापस। अब उन्हीं जिन मेहमानों को आपने अपने लड़का लड़की के विवाह में दिसंबर के महीने में मलमास में बुलाया था कि भाई हमारे घर ब्याह है, हमारे घर में शादी है, आप आइए, उन्हीं मेहमानों को आपको दोबारा आपके घर में फिर से बुलाना पड़ेगा कि भाई हमारे उसी लड़के का दोबारा विवाह है, किसी कारण में छूट गए। तो ये सब क्यों करें? क्यों हम किसी बच्चा बच्ची की गुड्डी का खेल है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल है, हम क्यों इसको इस तरह खराब करने पर तुले हैं? तो ध्यान रखें, चाहे किसी भी कारण हो, कोई भी कह दे, हम कोई भी शुभ काम इस काल में बिल्कुल ना करें। आप सावधान रहें, किसी की बात में, किसी बहकावे में ना आए, ये आपको बिल्कुल इस समय में ये कोई भी शुभ काम नहीं करना। तो हाँ, चलिए अब हम सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भाई यह जो मलमास है, खरमास है, मीन धनुर की संक्रांति है, इसमें हम क्या न करें, व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग दिस अनऑस्पिशियस टाइम। तो सबसे पहले होता है विवाह, या विवाह से संबंधित किसी भी तरह का शुभ काम बिल्कुल न करें। आप नया व्यवसाय करने जा रहे हैं, नई फैक्ट्री लेने जा रहे हैं, किसी मकान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, टोकन बयाना दे रहे हैं, कोई भी शुभ काम, जो नई कोई वस्तु खरीद रहे हैं, याद रखें इसको इस समय के दौरान बिल्कुल त्याग दे, छोड़ दे, बिल्कुल भी ना करें इस एक महीने के दौरान। अब क्या करना है, व्हाट टू डू, भाई समय तो निकालना है। इस काल में तो आप श्रीमद् भागवत जी का पाठ कीजिएगा, पठन कराइएगा, श्रवण कराइए, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य प्रवचन, मानस है, गीता है, इनका आप प्रवचन कराइए, सुनिए। तो मतलब जो कामिक है, जिनसे आपकी कोई कामना रिलेटेड हो, आप जिससे कोई इच्छा लेकर के काम कर रहे हो, वो काम ना करें। निष्काम काम से भी किए जा सकते हैं, तो काम कामना लेकर के कोई भी काम ना करें। तो ये आप इसको धनुर्मास में ये काम करना है, आप जो मैंने अभी बताया, और जो नहीं करना है वो बिल्कुल नहीं करना है। तो यह हुआ इसका एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष हम बात करते हैं, इस बार साल 2017 में यह धनुर्मास कब आएगा। तो इस बार 2017 को धनुष्यार्क, यानी जब सूर्य धनु द अर्क, यानी संक्रांति, यह संस्कृत शब्द है कि भाई सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसको अर्क यानी सरल शब्दों में हम जैसे मास शिवरात्रि आती है, वैसे मास संक्रांति भी होती है। तो इस समय में सूर्य अपनी एक राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में इस बार 2017 में सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में, वो है शुक्रवार 15 दिसंबर को रात के 2:59 AM 15 तारीख को सूर्य भगवान वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और वहीं से यह धनुर्मास लग जाएगा, यह खरमास लग जाएगा, यह धनुर की संक्रांति लग जाएगी। तो इस समय गोदा रंगनाथ जी का आप उत्सव कीजिएगा, उनकी कथा आदि को सुनिएगा, वो काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का शुभ काम न करें। तो इसको आपको ध्यान रखना है। साल में दो बार आती है यह धनुर संक्रांति, एक लगभग 14 से 16 दिसंबर से लेकर के 14 से 15 16 जनवरी तक, यह धनुर संक्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में आता है, और एक और दूसरी आती है जब सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में आते हैं, वो लगभग आपको इसी आसपास 14 15 मार्च से लेकर के 14 15 अप्रैल के समय। तो यह दो महीने विशेष करके आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को इस बार त्याग दें, तो यही आपके लिए और आपके किसी भी जो काम शुभ काम कर रहे हैं उसमें सफल होंगे, यदि आप इस मुहूर्त को मानेंगे, इस दैवी विज्ञान को, मुहूर्त को आप मानेंगे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। तो यह था मलमास कब है वर्ष 2017 में, इसमें क्या करें क्या ना करें, ज्योतिष और साइंस की दृष्टि से कैसे मलमास क्या होता है, ये हमने आपको बताया। मित्रों, ऐसी और भी बहुत सारी मेरा जो एक्सक्लूसिव ब्लॉग है, मेरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है gajananastrology.com, उसमें मैं नियमित ये सब लिखता रहता हूँ, तो आप उसको भी आप रेगुलर तरह से आप सब्सक्राइब करें, न्यूज़लेटर आप पा सकते हैं। आप फेसबुक मेरा जो पेज है गजानन एस्ट्रोलॉजी, मेरा ऑफिशियल पेज, उसको भी आप लाइक और फॉलो करिए। आप ट्विटर, मेरा ट्विटर प्रोफाइल है गजानन कृष्ण,
उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8985195822। आप इस पर अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे जय श्री कृष्ण कर दें तो मैं उसको सेव करूंगा, और हमारे जो भी छोटी मोटी जानकारी पर्वों से संबंधित है वो आपको इस समय समय पर उपलब्ध हो जाएगी। तो यह मुख्य विषय इस बार के लिए इतना ही। और भी आपके मन में धर्मशास्त्र ज्योतिष वास्तु के संबंधित कोई भी यदि आपके मन में शंका समाधान हो, निश्चित आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर ट्वीट को हर कमेंट को मैं निश्चित मेरी टीम हम लोग पढ़ते हैं, और इसका हम लोग समय समय पर मेरी अनुकूलता के अनुसार हम उसका उत्तर भी देते हैं। तो यह था आज का विषय, आप इसको अवश्य फॉलो करें, इससे आपका कल्याण होगा। पुनः यह अंग्रेजी नववर्ष 2018-17 को छोड़ करके 18 में जो लोग प्रवेश करें या प्रवेश किया है, आप सभी के लिए मंगलमय तभी होगा जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। आप सभी को पुनः हमारा बहुत बहुत नमस्कार, और नववर्ष आप सभी के लिए अंग्रेजी नववर्ष मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार।